गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ और आज का व्लॉग मेरे मायके से स्टार्ट होगा क्योंकि मैं मेरे मायके आ चुकी हूँ। मायके आने का व्लॉग मैं नहीं बना पाई क्योंकि एकदम इमरजेंसी में फाइनल हुआ कि मुझे आना है, तो मैं शूट नहीं कर पाई, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। लेकिन अभी यहाँ को मैं जितने भी दिन उतने दिन कंटिन्यू व्लॉग तो करूँगी। तो पहले तो भी नहा धो लेती हूँ, मैं फ्रेश हो लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। नहा धो के मैं तो रेडी हो चुकी हूँ और मैं ना बिंदी का पैकेट वहीं पे भूल गई ला। एक भी पैकेट मैंने साथ में नहीं लिया, तो अभी मम्मी से लेती हूँ बिंदी और लगाती हूँ क्योंकि चेहरा उसके बिना बहुत सूना लगता है। आज की दिनचर्या तो आपके साथ शेयर होगी, तो पहले नीचे चलते चाय नाश्ता करते। जो मेरा रूटीन था मायके का, सेम रूटीन की कुछ भी चेंज नहीं होता है। लेट उठने का, नहाने का, धोने का, नीचे मम्मी चाय देती, चाय पीने का, ये तो होता है। वहाँ भी ऐसे ही होता है, कभी कभी मैं ना लेट उठती हूँ, नहा धो के आती हूँ तो मेरी सासू माँ चाय बना के रख देती है, तो कहती है गर्म करके पी लो। तो ये रूटीन मेरी कभी सुधरने वाली नहीं है। तो चलो नीचे चलते हैं। इधर कॉलोनी में आई ना थोड़ी टाइम के लिए, तो मुझे एक छोटा बच्चा, उसने ना कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे दिखाए, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, रुको। नानी के घर पे जाना है, कल बहुत लेट हो गया था ना, तो कल मैं नानी के घर पे नहीं जा पाई। आज मम्मी मैं और ये बंदर, हम तीनों लोग जा रहे हैं अभी नानी के घर। स्कूटी पे ही जाएंगे फटाक से, तो चलो डायरेक्ट नानी के घर पे मिलते हैं। आजा बैठना भाई जल्दी, चल गाड़ी पे बैठ जा। फिर से अभी घर पे चलते, आराम करेंगे फिर। सच कहते यार, भाई तो भाई होता है। दो मिनट रुका, ये गिर जाते यार, बार बार सोचती हूँ ना, जब भी तो गिर जाते मेरे कान में से। तो चला गया भाई अंदर। ओके, ये कह रही थी मैं कि भाई भाई ही होता है, भाई की इतनी जान होती बहन में ना। आज मैंने देखा कि जब तक मैं यहाँ पे थी ना, मेरा भाई मुझे हद से ज्यादा तकलीफ ही देता था, बहुत एकदम इरिटेट करता था। अभी ना मैं सो गई थी, थक गई थी, तो मुझे भूख लगी थी, मैंने उसको सिर्फ बोला, तो बोला कि चल नीचे चल खाना खाते। तो मैंने बोला कि जान दे मुझे सोना है, तो नीचे गया मेरे लिए खाना उसने गर्म किया। कभी वो गैस जल्दी से मतलब जलाता नहीं, गैस पे कुछ करता नहीं, मम्मी करने भी नहीं देती, लेकिन उसने मेरे लिए खाना गर्म किया और खाना लाया। लेकिन थोड़ा सा ही लाया उसने, अभी भी मेरे हाथ झूठे ही है, तो थोड़ा सा ही लाया, तो मुझे और भूख लगी। तो बोला तुझे और खाना है क्या, तो मैंने कहा हाँ, तो कहा रुक मैं तेरे लिए और गर्म करके लाता, तो गया है नीचे गर्म करने, अभी आएगा। देखो ये आ गया मुझे खाना लेकर, अभी मैं पेट भर के खाना खाती हूँ। मोबाइल नहीं देखने दे रहा, जिसका भी टेटस देख रही हूँ ना, कोने कोने हीरो का भी फूटा रहेगा, कोने। अब इतने लोग इतने सारे टेटस रखते, मैं हर किसी का ध्यान में रखू क्या, कौन किसका है, तो मुंह दबा रहा है। आई छोड़ छोड़, ए नीटर ने राटर ने लॉक ट्रेन ने नहीं लाग रही करा काय करू, भारी रिश्ती मस्त लगा दी, लाइट लग रही ना। चलो तेरी टेंशन दूँ। देखिए मुझसे मिलने के लिए कौन आया है आज, बंदर। हाय वरुण। हेलो हेलो, इधर हमारी मौसी आई है, तुमको क्या दिखाना है, तू पैसी बंदर है, किधर गई। इधर हमारी मौसी जी आई है हमसे मिलने के लिए, हम ही जाने वाले थे लेकिन वो ही आ गई। तो चलो थोड़ा शांति से बैठते, मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। अभी ना मैं जा रही हूँ फोटो सिलेक्शन के लिए, शादी के सारे फोटो मुझे सिलेक्ट करने हैं, तो अभी मैं जाती हूँ फटाक से सिलेक्ट करती हूँ क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। हाँ डिलीट करूँगा, डिलीट करूँगा, देवा रहते और जाए करो, हाँ डिलीट करूँगा, इतनी पब्लिक से एक रहो देगा।
रात हो चुकी दोस्तों, मेरा खाना पीना सब हो चुका है, रात के लगभग 10:30 बज रहे। कल मेरे घर पे सत्यनारायण की पूजा है, क्योंकि मम्मी ने मतलब बोला था कि मेरी लड़की जब आएगी यहाँ पे तो मैं सत्यनारायण की पूजा करूंगी। किसी कारण से, वो कारण मैं बता नहीं सकती, उन्होंने जिसलिए मानना था। तो कल सत्यनारायण है, सवेरे ही है तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। वैसे पूजा में मम्मी पापा बैठेंगे क्योंकि मेरी जोड़ी तो यहाँ पे है नहीं, कोई बात नहीं। तो बस यही कह रही हूँ कि अभी जा रही हूँ मैं सोने। इधर मेरे दोनों भाई आज मेरे पास आए सोने के लिए, क्योंकि 2 दिन में तो मैं चली जाऊंगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपका बहुत सारा प्यार दीजिए।